कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैं अक्सर पॉलिटिशियन से जब इंटरव्यू करती हूँ तो मैं बड़ा घबराती हूँ, मगर कुछ लोग इतने कंफर्टेबल होते हैं कि पब्लिक भी उनसे बहुत आराम से बात कर सकती है, अपना मैसेज कन्वे कर सकती है, और मतलब लाइक मैं भी अपने आप को आम पब्लिक ही समझती हूँ, और मैं भी जब भी उनसे मिलती हूँ तो मैं बड़ी कंफर्टेबल फील करती हूँ और अपने दिल की बात उनसे कर सकती हूँ और उनकी बातें भी सुन सकती हूँ. सो उनको इंटरव्यू करते हुए मैं एक मेरा बड़ा एक कंफर्ट लेवल होता है, वरना जब भी कोई पॉलिटिशियन आता है पता नहीं मुझे होता है कि हाय कोई गलत मुँह से निकल जाए, कोई ऐसी बात हो जाए. मगर इस वक्त हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो अल्लाह के घर जो होकर आए हैं सेलिब्रिटीज़, उनमें एक ये सेलिब्रिटी शामिल हैं जिनसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है. सो उनसे आज हमने गुफ्तगू करनी है, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बल्कि उस हाज़री के बारे में जो उनके नसीब में आई और उन्होंने इस साल अल्लाह के घर गईं और वहाँ माशाल्लाह सादत हासिल की हज की. आइए वेलकम करते हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, MPA सिंध असेंबली. वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम. बहुत मुबारक हो. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. ये नया जमाना आ गया ना कि पहले जी प्लीज बैठे. थैंक यू. पहले फूलों का हार गले में डालते थे और अब फूल आपके हाथ में थे. अब अलग अलग किस्म के फूल भी तो आ गए ना. गुलदस्ते पहले बड़े रवायती होते थे. अच्छा, मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है जब फूलों का हार गले में डालते हैं. और इस दफा जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज करके आई माशाल्लाह, तो जब मेरे दोस्त रिश्तेदार मिलने आए तो वो सारे फूलों के हार पहना रहे थे. तो इतने फूलों के हार तो शादी पे मैंने नहीं पहने थे. वो यू नो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. वो एक जी पहला हज था. और आपने लाइक होता है ना कि इंसान मतलब इंसान नियत करता है और एकदम एकदम दिमाग में आता है करना. कब से प्लानिंग थी निदा? मैं इस दफ़ा इस साल मुझे खुद दिल में आया कि मुझे हज पे जाना है. तो मैं जब रमज़ान में आखिरी 4-5 दिनों में जब मैं एतकाफ़ में बैठी तो मैंने बड़ा अल्लाह ताला से दुआ करी. अच्छा, 2 साल से तो हज पे पाबंदी थी, बंद था बिकॉज ऑफ कोविड. तो मैंने ये नियत की थी कि अगर इस साल हज खुलता है तो मैं ज़रूर अपनी किस्मत आजमाऊंगी. अब ज़ाहिर बात है वो ऐसी जगह है जहाँ पर जब तक आपका बुलावा ना हो exactly. तो आपको आप नहीं जा सकते, चाहे आपके पास कितना पैसा हो, कितनी रिसोर्सेज हो, कुछ भी हो. बिल्कुल. तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ लोग कहते हैं ना कि आपको बुलाया जाता है, आप खुद नहीं जाते. जाना तो हर कोई चाहता है. तो मैंने बड़ी दुआएं करी एतकाफ़ में भी. तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मेरे जहन से निकल गया. फिर जब हज खुला तो मेरा ख्याल है लास्ट 15 या 18 दिन पहले मैंने दोबारा सेक्स आई शुरू करी. मैंने पूछा शुरू किया और हशाम नहीं गया मेरे साथ हज पे. मैं खुद गई अकेली. तो काफ़ी लोगों ने कहा महरम की ज़रूरत नहीं थी. अच्छा, देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन के महरम होना चाहिए. ये क्या कोई रूल है सऊदी अरेबिया की तरफ से? अब ये रूल जी कि अब महरम अब ग्रुप में भी जा सकते हैं. और बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता जी. तो अच्छा है आपके थ्रू ये पता चल रहा है. 40 and above तो आप अकेले जा सकते हैं. उम्र के लिए भी अब आप जा सकते हैं. कितनी अच्छी बात है, ये बहुत आसानी हो गई है. तो मेरा ट्रैवल एजेंट बहुत अच्छा था. तो उसने बढ़िया फैसिलिटेट किया मुझे और बस नियत करी. लेकिन आखिर लम्हे तक मुझे यकीन नहीं था कि मैं यू नो बहुत कुछ हो जाता है ना जाते जाते भी लोग नहीं जा सकते. तो लेकिन इतनी शिद्दत से मुझे शौक था जाने का हज पे कि मतलब मैं दुआई सिर्फ ये मांगती थी कि अल्लाह मैं बस बुला लें. तो बस अल्लाह ताला ने करम किया. ग्रुप में गई आप? जी मैं ग्रुप में देयर वाज अ ग्रुप उनके साथ 125-130 लोग थे. लेकिन मैं अलग थी. अच्छा. मेरा होटल अलग था. अच्छा. मैं अलग ट्रैवल करती थी. तो मदीना शरीफ में पहले गई. यहाँ से 3 दिन मैं मदीना शरीफ में थी. फिर मैं मक्का गई और वहाँ पर और आप यकीन करें निदा मैं इतनी सारी दवाइयाँ साथ लेके गई थी, एंटीबायोटिक्स. और ये मुझे लगता था मैं बीमार हो जाऊंगी की वजह से. कोविड है, लोगों को नज़ा जुकाम हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, फ्लू हो जाता है, बुखार होता है इतने सारे क्राउड के अंदर. तो मुझे बड़ा डर था कि मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा. तो आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद ये पहला था. हाँ. अच्छा, और ये है कि जब आप एहराम की हालत में होते हैं तो आपका मुंह नहीं ढका हो सकता, तो यू कांट वेयर अ मास्क उम्रे में भी. और जो आपके हज के जो जब तक आप एहराम के अंदर हैं. अच्छा. तो आप मास्क नहीं पहन सकते. आपका तो जो खवातीन नकाब करती हैं फिर वो? अच्छा, उनके नकाब के ऊपर ये है कि वो कपड़ा ऐसे होता है लेकिन वो मुंह ढका नहीं होना चाहिए. अच्छा. ठीक है, आप अच्छा. दूर होना चाहिए कपड़ा. ओके. तो अच्छा, खवातीन के लिए एहराम का जो कॉन्सेप्ट है ना वो नियत है. अच्छा. कोई बाल ना टूटे और गैर महरम के सामने आपके बाल नजर ना आए और एक पर्दा हो.
अच्छा तो बहरहाल तो मास्क नहीं था, तो मैंने कहा यार अब जब उम्रे पे मास्क नहीं पहनना, हज के 5 दिनों पे मास्क नहीं पहनना, तो पहनते ही नहीं, हाँ। जो होना है हो जाए, हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी एक लम्हे भी बीमार नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक लम्हे मुझे थकावट नहीं हुई, हाँ। मैंने अब्बा के लिए भी 2 उम्रे एक्स्ट्रा किए और मैं रोज तवाफ करती थी मक्का शरीफ के अंदर और हर चीज इतनी अच्छा 45 डिग्रीज थी नदा, लेकिन कमाल बात है उस जगह की, उस अल्लाह की धरती की के वहाँ पर गर्मी नहीं लगती थी, हाँ? फर्श इतना ठंडा, हरम शरीफ का, हाँ। मस्जिद नबवी इतनी ठंडी, और वहाँ भी बाहर भी उन्होंने जो वॉकवेज थे वहाँ पर उन्होंने फैंस लगाए हुए, उसमें से पानी आता है, सो पूरा माहौल वॉज ठंडा, हाँ। तो कभी गर्मी नहीं लगी, कभी थकावट नहीं हुई, हाँ। जब मैं रमी करने गई शैतान को कंकर मारने की तो खाली होता था वो, हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन, सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।